नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं दतिया से 18 किलोमीटर दूर उन्नाव बालाजी। उन्नाव बालाजी एक छोटा सा टाउन है जो पुष्पावती रिवर के पास में बसा हुआ है। दोस्तों, इस पुष्पावती रिवर में नहाने से आपकी स्किन डिसीजेस सही हो जाती है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। अब हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो 16th सेंचुरी में जयसी राजा ने इसकी स्थापना करी और 17th सेंचुरी में दतिया के राजा नरेश राव ने इस मंदिर को बिल्डअप करना स्टार्ट करा। और 18th सेंचुरी आते आते सिंधिया जी के मंत्री, उन्होंने इसका कार्य संभाला और इस मंदिर को अलग पहचान दी। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात पता क्या है? यहाँ धन दौलत पैसा रुपया ये इसकी अमानत नहीं, बल्कि इसका खजाना है घी। जी हाँ दोस्तों, 400 साल से लोगों ने चढ़ाया हुआ घी यहाँ पे अभी भी स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि भंडारे में और मंदिर के फेस्टिवल में यूज़ करा जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। और अभी हाल फिलहाल में हम हैं उन्नाव बालाजी दतिया के पास में। और ये पहले जो आप गेट देख रहे हैं, मेन एंट्रेंस गेट है। उसके बाद ये आ जाता है दूसरा गेट, जो कि मंदिर प्रांगण को कनेक्ट करता है। उसमें छोटा सा मार्केट है जो मैंने दिखाया था, वही यहाँ का मेन मार्केट है। और अभी यहाँ बहुत ज़ोर से लड़ाई वड़ाई चल रही थी कुछ ठेले को लेके और लोगों को लेके, बट अभी सब शांत हो गया। और हम आपको दिखाते हैं सीधा अंदर। यहाँ पे मेन पार्किंग है, आप यहाँ पे आओगे आपको गाड़ी वाड़ी यहाँ पार्क करनी पड़ेगी और यहीं से आपको फूल माला और जो A to Z है लेना पड़ेगा। यहाँ का थोड़ा नेचर थोड़ा रूड है, आप जिस दुकान से आप फूल माला लेंगे वहीं पे आपको पार्किंग मिलेगी और जूते चप्पल के लिए। ओ भाई, आते ही बच गए। तो यहाँ पे एक स्पार्क हो गया छोटा सा, लगता है हमारी खुशी में बम फूटे। देखो, अभी हाल फिलहाल में हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और बहुत ही सुबह भी बहुत ज़्यादा ही भीड़, क्योंकि देखो सन टेंपल है तो लोग अक्सर सुबह ही आएंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है ये मंदिर। देखो भाई, धूप बहुत तेज़ हो रही है और हम इसमें डुबकी नहीं लगाने वाले नदी में, क्योंकि नदी का हाल अभी थोड़ा सा बहुत क्राउडेड है और थोड़ी सी गंदी भी है। और सबसे मेन चीज़, हमारे पास कपड़े नहीं है चेंज करने के लिए, क्योंकि हम प्लान करके नहीं आए थे कि हम नहाएंगे, बट हम फिर भूल गए थे कि भाई, बट कोई बात नहीं, हम तो भी मंदिर चलते हैं कि हम मंदिर तो दिखाएंगे ही भैया आपको। तो चलें मंदिर की ओर। और यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा पब्लिक सुबह सुबह नहा रही है, मैंने नहीं सोचा था इतने लोग सुबह सुबह नहाएंगे यार। और बेसिकली यही घाट है जो है, एक ही घाट दिख रहा है मुझे, आप आगे जा सकते हो और, पर घाट यही है जो मेन घाट है उन्नाव का, और एक ही घाट पे ये पूरा चल रहा है। यहाँ से ही आपको नहा के वही वस्त्र में पानी भर के जल भर के लोटे में और आपको मंदिर जाना पड़ता है, ऊपर सूर्यदेव को अर्पित करना पड़ता है, तो ये प्रथा है। और हम चलते हैं सीधा मंदिर, दिखाते हैं आपको।
बहुत टाइम से मैं आया नहीं हूँ और अभी बाहर से ही दर्शन होते हैं। मीन पहले अंदर भी जा सकते थे बट अभी तो सिर्फ बाहर से ही हो रहा है और अच्छी बात है क्योंकि अंदर बहुत रश हो जाता था, सब भीग के आते थे, गीले होके आते थे और पूरा वो आप देख सकते हो अभी भी नीचे पूरा पानी वानी है। बताऊँ आपको कि ये जो मंदिर है दतिया के राजा ने एस्टेब्लिश करवाया 18 में और 18 सेंचुरी के बाद जो सिंधिया के जो मैनेजर थे उनके मंत्री थे या जो भी है मुझे नहीं पता कन्फर्मली, बट उन्होंने उसके बाद ये आगे मंदिर का निर्माण कार्य करवाया और मंदिर को एक अलग ही वेशभूषा दी और एक अलग ही बुंदेली आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ये बुंदेली आर्किटेक्चर में बताता हूँ कैसे कि बुंदेली आर्किटेक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो गेट हैं वो गेट बहुत ही चौड़े और छोटे हैं और उसी टाइम पे आप गेट देखेंगे कुछ बड़े हैं कुछ हैं, तो जो रूम्स के लिए गेट हैं वो छोटे हैं ताकि आप सर झुका के आओ और जो बड़ी मेन एंट्रेंस गेट हैं वो काफ़ी बड़े करे गए हैं ताकि आपको एक रॉयल फील भी आए। तो ये बुंदेली आर्किटेक्चर में बनाए गए हैं पूरे और ये मंदिर भी पूरा बुंदेली आर्किटेक्चर में बनाया है। तो यह मंदिर के ऊपर है, मतलब मंदिर की छत के ऊपर है और हम ऑलमोस्ट मंदिर पूरा घूम चुके हैं। देखो पहले जब मैं आता था तो मुझे स्टोरी नहीं पता थी तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता था कि ठीक है नदी में नहाना है फिर मंदिर जाना है दैट्स ऑल, बट आफ्टर जब स्टोरी पता चली कि यहाँ पे जो क्विंटल्स ऑफ घी है, देखो वो घी की जगह तो अभी मुझे नहीं पता चली वो कहाँ पर रखा है स्टोर करके, बट वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने देखा किस तरीके से घी वेस्ट भी हो जाता है कभी कभार, जैसे आपको मैंने वीडियो में फुटेज में दिखाया था। और यहाँ से अलग ही व्यू और ये सामने नदी सारा घी है, तो वो घी कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? देखो ये घी की एक जो है परंपरा मंदिर की के जब से मंदिर है जब से अखंड जो हाँ वो जैसे किसी को छाजन हो जाता सफ़ेद दाग हो जाता जी तो ये लोग हर संडे को जो है जैसे रोज में यहाँ पर 4-5 किलो घी लगता है, चढ़ता है कम से कम कोई 15 किलो 20 किलो 25 किलो 50 किलो। अच्छा, तो अच्छा। वो आ जाएगा तो जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है उस दिन हवन हो गए तो उस दिन भंडारे में लग जाता है। भंडारे में तो कोई छे नहीं सकता। अच्छा, निजी बालाजी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई उसका उपयोग कर लेगा कोई नहीं करेगा। नहीं तो 400 साल पुराना मंदिर है ये, तो उससे भी उससे ज्यादा ही होगा, तो उससे समय से घी चढ़ा रहे होंगे सभी। चलता ही है। तो फिर वो पूरा घी क्या मतलब वो जैसे जो हो जाता है जैसे जो 50 हो जैसे हम और आप बराबर कुएं बन जाते। अच्छा अच्छा, वो जैसे कुएं बन भर जाते उनको पाट लगा के पाट देते हैं तो वो कुआ खोदेगा उसमें। अच्छा, तो वो कुएं कहाँ है वही पूछ रहा था। तो ये मंदिर के पीछे ही है। अच्छा अच्छा, तो वो अभी देख सकते हैं आप चले जाओ तो फिर दो वो आदमी काची तो माली तो अभी बिजी होगा। हाँ हाँ, आप खिड़की में होके देखिए देखो सामने खिड़की दिखा रही वाले कुआ में गन्ने लगा हुआ। अच्छा अच्छा, सामने जो दिखा रही बने हाँ हाँ ठीक है। देखो तो हमें बताया गया कि कुआ जो घी का जो जिस तरीके से फिल हो जाता है उसके ऊपर फिर पार्ट लगा देते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं, फिर दूसरा कुआ खोदा जाता है जिसमें फिर घी स्टोर करा जाता है, तो हम वही देखने जाते हैं। ये जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है इसी बाउंड्री वॉल के जो कुआ है घी का कुआ वो इसी के अंदर है और मैं थोड़ा सा और नज़दीक ले जाने की कोशिश करता हूँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जो कुआ दिख रहा है आपको इसके अंदर टन्स ऑफ घी हर साल पैक करते हैं वो, और ऐसे बहुत सारे कुएं हैं और ये कुएं के जो घी है ये लोग श्रद्धा से चढ़ाते हैं और इसको ऐसे स्टोर करके रखा जाता है। तो बेसिकली ये जो मंदिर की धरोहर है वो घी है, ना कोई पैसा ना कोई धन, घी।
भाई साहब अभी हम वापस अपने घर की ओर जाते हुए, और बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह बहुत टाइम से हम उठ नहीं पा रहे थे, सनराइज़ नहीं देख पा रहे थे, बट आज सुबह सुबह घूम के बहुत मज़ा आया और हम वापस अपने घर की ओर जाते हुए। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कैमरे की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई, सुबह चार्ज नहीं कर पाया मैं, तो समोसे तो कवर नहीं कर पाए, बट हमने फिर और दूसरी जगह समोसे खाए। हम फिर आएंगे, फिर हम समोसे कवर करेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होप आपको अच्छा लगा हो। नाम बालाजी, दतिया मध्य प्रदेश।